नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू परवल की एकदम पार्टियों वाली सब्जी, जो कि हम शादियों पार्टियों में खाते हैं और हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घर पर हमसे वैसी बनती नहीं है। तो आज मैं इसे बिल्कुल ही उसी तरीके से बनाऊंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रखूंगी कि वो लोग आलू और परवल को पूरा फ्राई करके बनाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब होता है, तो मैंने डीप फ्राई नहीं किया है। बाकी सभी प्रोसेस बिल्कुल सेम है और इसे बहुत आसान बनाने के लिए मैंने इसे कुकर में बनाया है, तो सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आधा किलो के करीब परवल और उतना ही आलू लिया है, दोनों को अच्छे से धो लिया था। इसके बाद परवल को खुरच लेंगे ऊपर से और आलू के छिलके उतार लेंगे। परवल का मोटा छिलका नहीं निकालना है, सिर्फ इस तरह से खुरच लेना है ऊपर से। जब डीप फ्राई करते हैं तो परवल को वो लोग सिर्फ अपर और लोअर पार्ट काट कर हटा देते हैं और ऐसे ही फ्राई करते हैं बिना खुरचे हुए, लेकिन हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे कम तेल में फ्राई करेंगे, इसलिए खुरचना बहुत ज़रूरी है। तो सभी आलू और परवल को मैंने अच्छे से छील लिया है और एक बार और धो लिया है। अब परवल के हम दो दो टुकड़े करेंगे, जैसा मैंने दिखाया है वैसे ही पीसेस कर लें और हल्का सा चीरा लगाएंगे इस तरह से। पूरा परवल को अलग नहीं करना है चार भागों में, सिर्फ अंदर मसाले तेल वगैरह घुस जाए, नमक, इसलिए इस तरह से चीरा लगाया है। और आलू भी मीडियम साइज का है तो इसके भी दो दो टुकड़े ही किया है मैंने। अब हम कुकर में सबसे पहले आलू और परवल को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर दो टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है, जब तेल गर्म हो जाएगा तो आलू और परवल उसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। 6 से 7 मिनट में ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, तब हम इसे निकालेंगे। तो बीच बीच में चलाते रहें और ढक्कन भी लगाकर हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि थोड़ा सा ये कुक भी हो जाए साथ साथ। ये काम आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भूनने के बाद में कुकर में दम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कुकर में ही बनाया है रेसिपी को आसान करने के लिए और बहुत सारे बर्तन भी गंदे ना हो। तो इस तरह से 6 से 7 मिनट में ये आलू और परवल भूनकर तैयार हो जाता है, तो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूना है, बस गोल्डन होने इसमें एक ऊपर से लेयर आ जाए उतना ही हमें भूनना है। अब हम मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, धनिया पाउडर, साबुत धनिया, साबुत जीरा और साबुत काली मिर्च लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप पाउडर मसाले भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से खड़े मसालों को पीसकर बनाने से स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डालकर पूरे मसाले निकाल लेंगे और इसी में पानी ऐड कर देंगे। अब इस मसाले में हम हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए और मिक्स करके रख देंगे साइड में। मसाला भी हमारा तब तक अच्छे से सोक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने दो टमाटर बड़े साइज के लिए हैं, ये खट्टे वाले टमाटर नहीं है, सलाद वाले टमाटर हैं। इसका टेस्ट इस सब्जी में अच्छा आएगा। खट्टे वाले टमाटर अगर आप ले रहे हैं तो एक ही डालें, क्योंकि फिर ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगेगा ये सब्जी। इसे भी हम पेस्ट बना लेंगे। अब चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो जिस कुकर में मैंने परवल और आलू फ्राई किया था उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और डाला है। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर तेजपत्ता, जीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची लिया है। जब थोड़ा सा भून जाएगा तब इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे और 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को गोल्डन होने तक हमें भूनना है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। अब इसमें जो मसाले हमने बनाकर रखे थे वो डालेंगे और थोड़ा सा इसे भून लेंगे। थोड़ा सा मसाला ड्राई लगने लगे तब हम इसमें टमाटर डालेंगे जो हमने पीस कर रखा था। बिल्कुल हलवाइयों वाला स्वाद लाने के लिए मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला है यहाँ पर। मसाला हो चुका है करीब करीब,
अच्छी सी खुशबू आ रही है। ऑयल का इस्तेमाल कम किया है इसलिए मसाला ऑयल छोड़ेगा नहीं, बस इसकी खुशबू से हमें समझना है कि ये मसाला हो चुका है। तो मसाले को भूनने में भी मुझे 7 से 8 मिनट लगे क्योंकि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूना है। मसाला जब अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें भुने हुए परवल और आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, एक परवल मेरा गिर गया नीचे, क्योंकि कैमरे के सामने काम करते हुए बड़ी मुश्किल होती है। तो कोई नहीं, परवल मैंने फिर से डाल दिया कुकर में। आधा ध्यान तो कैमरे के ऊपर रहता है तो कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है बनाने के टाइम में। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने डाला है यहाँ पर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी क्रश करके। और थोड़ा पानी भी डाला है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो और पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रेवी कम ही रखा है ताकि सब्जी ये थोड़ी सूखी सूखी सी बने, मतलब सूखी नहीं, हल्की ग्रेवी वाली लटपट सब्जी बनानी है मुझे। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब प्रेशर कुक करना है हमें, तो ढक्कन लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पूरा एक विसिल नहीं आने देना है। जैसे ही विसिल आने लगे तुरंत गैस बंद कर देना है ताकि इसका स्टीम इसमें रह जाए और फ्लेवर पूरा उसी में रहे। अगर विसिल आ जाएगा तो फ्लेवर बाहर निकल जाएगा। तो ये एक ट्रिक है सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए। तो जैसे ही विसिल आने का टाइम हुआ मैंने तुरंत गैस ऑफ कर दिया है, और जब प्रेशर खुद से रिलीज हो जाए तब हम ढक्कन खोलेंगे और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी रंगत कितनी अच्छी आई है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो अगर इस टाइम पर भी आपको ग्रेवी कम लग रही है तो थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं और ये लाजवाब सी सब्जी आप एंजॉय कर सकते हैं पराठा पूड़ी किसी भी चीज के साथ। टिफिन वगैरह में भी देने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।